नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। आइए रुख करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सीमा विवाद पर भारत को धमकी और युद्धाभ्यास करने के बाद चीन का नया पैंतरा आया सामने। चीन ने 10,000 टन हथियारों के साथ अपनी सेना के ट्रकों को तिब्बत सीमा के लिए रवाना किया है। रिपोर्ट की माने तो चीन ये सब भारत पर डोकलाम सीमा विवाद को लेकर दबाव बनाने के लिए कर रहा है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे भरी रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी भी लोकसभा में मौजूद रहे। भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 घंटे तक के लिए स्थगित तक कर दी गई थी। नागालैंड के मुख्यमंत्री सुरहोजेली लिजित्सु विधानसभा में विश्वास मत के लिए हाजिर ही नहीं हुए। इसके साथ ही विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मौजूदा सीएम के इस कदम से राज्य में नई तरह की राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इस्तीफे को लेकर जारी घमासान के बीच नीतीश कुमार ने राजधानी में कैबिनेट बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच अलग से बैठक हुई। ये करीब 50 मिनट तक चली, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया। कोटखाई गैंगरेप और हत्या मामले में बड़ी खबर आई सामने। बताया जा रहा है कि देर रात थाने में बंद एक आरोपी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। खबरों की माने तो आरोपी का गला घोटकर हत्या की गई है। ओडिशा और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उड़ीसा के तटीय इलाकों से उठा दबाव अगले 4 से 5 दिनों में देश के कई उत्तरी और पश्चिमी राज्य तक जाएगा, जिसके बाद बाढ़ की भी आशंका है। पूर्वी तटीय इलाकों पर बने इस दबाव का सबसे ज्यादा असर उड़ीसा पर पड़ेगा। यूपी के आजमगढ़ में रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इससे SP गोली लगने से घायल हो गए और बदमाशों को भी गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। बीफ को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने उनका इस्तीफा मांगा है। बीफ नेता सुरेंद्र जैन ने कहा, पर्रिकर बीजेपी की छवि खराब कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तो कम से कम ऐसा ही मानते हैं। पनगड़िया ने कहा कि अगले 1.5 दशक के दौरान भारतीय आबादी के बहुत बड़े हिस्से में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा और सुविधाएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा, मौजूदा दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम बड़ी इकोनॉमी से में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्थाओं में से शुमार है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। एक जवान जम्मू के नौसेरा सेक्टर में तो दूसरा जवान कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाक सेना की गोलाबारी में शहीद हो गया। मानसून सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति बनने के बाद वेंकैया नायडू को बतौर सभापति राज्यसभा के संचालन का मौका केवल एक ही दिन मिलेगा। मानसून सत्र 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है और उसी दिन नए उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाएगी। अगले नवरात्र से प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर गाय के दूध से बनी मिठाइयों का प्रसाद मिलेगा। डेयरी विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि फिलहाल बड़े धार्मिक स्थलों पर इसकी शुरुआत की जाएगी। ऐसा गाय के दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। भारत और दक्षिण सीमा सागर में चीन के अड़ियल रवैये के बीच अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने चीन की बढ़ती राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं को लेकर चेताया है। शीर्ष पेंटागन कमांडर ने जहां एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के सैन्य जमावड़े को लेकर, तो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में प्रभुत्व स्थापित करने की चीनी तिकड़म का विरोध किया है। सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर और VVS लक्ष्मण वाली क्रिकेट सलाहकार समिति को की मांगों को सिरे से खारिज करते हुए BCCI ने भरत अरुण को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। भारतीय पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने भरत अरुण को 2019 ICC वर्ल्ड कप तक के लिए टीम इंडिया का गेंदबाजी कोच बनाए जाने पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार किया है। असम की मॉडल और सिंगर विदिशा बेजरुआ ने हरियाणा के गुरुग्राम में खुदकुशी कर ली है। विदिशा 2 दिन पहले ही गुरुग्राम में शिफ्ट हुई थी। विदिशा ने हाल ही में रिलीज हुई रणवीर कैटरीना की फिल्म जग्गा जासूस में भी काम किया है। अब इस मामले में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए A1 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।